मुझ में तो ऐसे बसा है, कोई मुझ में ना मेरी जगह है, कुछ देखो तो तू दिखता है, मेरी आंखों में तेरी निगाह है। Hey guys, welcome back to our new vlog. तो बहुत टाइम के बाद व्लॉग कर रहे हैं, सोचा व्लॉग करते हैं. और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ चुकी है कोलकाता में. कोलकाता में थोड़ा लेट ही ठंड पड़ता है, बाकी सारे स्टेट में जल्दी ठंड पड़ जाता है. आई थिंक दिल्ली में बहुत जल्दी ठंड पड़ जाता है, बट कोलकाता में अभी तक नहीं पड़ा था. बट बारिश हो रही है, पूरी रात बारिश हुई है और अभी भी बारिश हो रही है. और एक जानवर, जंगली जानवर को दिखाती हूँ आपको. देखो ये, देखो ये है मेरे घर का जानवर. कैसे करके सोया हुआ है देखो, इस पैक होके क्या रे. मुँह दिखा. ठंड पड़ गई ना, कैसा लग रहा है ये देखिए बाहर. गाय सो रहा है, अभी भी दूध ले दिया है. गाय उठेगा, फोन करेगा, फिर दूध मिलेगा. ये देखो बारिश हो रही है और पूरी रात बारिश हुई है, लेकिन हम लोगों को तो उठना ही है तकलीफ करके, तो उठे हम लोग. गाय का, भैंस का किस्मत अच्छा है, भाभी का भी किस्मत अच्छा है. अगले जन्म में गाय, भैंस, भाभी होकर जन्म लेंगे. ऑल टाइम खाते रहो, सोते रहो, हाँसते रहो, सुसु करते रहो. ठंड आने पे इसको नहीं देख पाओगे, वो ऐसे ही घुस घुस के रहेगी. ठंड मिष्टी को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है. मुझे पसंद है क्योंकि स्वेटर वगैरह पहन के हम फिर भी थोड़ा सा गर्म हो सकते हैं, लेकिन गर्मियों में पूरे कपड़े भी खोल लो फिर भी गर्मी नहीं जाती है. बहुत मुझे गर्मी का मौसम तो बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत इरिटेटिंग होता है, मतलब बर्दाश्त के बाहर. ठंड फिर भी बर्दाश्त कर सकते हैं 1 किलो 10 किलो का कपड़े पहन के. तो आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों के स्टेट में ठंड पड़ चुकी है कि नहीं, और कितनी ठंड है, बहुत ज़्यादा या मीडियम, तो बताना. और कौन 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 से स्टेट्स है वो भी कमेंट में बताना. तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:15, हम लोग 7:30 बजे शॉप खोले हैं, मतलब वही 7:10-7:15 तक खोलते हैं, फिर भी 15-20 मिनट लेट ही खोला है आज. तो ओके चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में. अभी कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, लूची आलूदम. मेरे को दिखाने का क्या, लूची आलूदम ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो करो, कौन मना किया है. ठंडा उसको दिखाओ, उसको. ये देखो ये प्रेग्नेंट है, इसलिए हम लोग इसको दो टाइम या 3 टाइम खाने के लिए देते हैं, इसलिए यहाँ पे आके बैठती है. और उसका घर दिखा दो कैसा बनाया, बाहर है. बाहर में देखो वो भाभी का बेड है, भाभी यूज नहीं करते हैं, तो वो इसके लिए हम लोगों ने बिछा दिया है. आई कांट अंडरस्टैंड कि ये रेनी डे है या विंटर डे है. तो मतलब अभी विंटर का सीजन है और देखो कितना सारा बारिश हो रहा है, कितना कितना बारिश हो रहा है, बाप रे बाप. इधर देखो देख पा रहे हो कितना बारिश हो रहा है पूरा, मतलब. हाँ यहाँ पे दो छोटे छोटे बच्चे आके बैठे हैं. है ओ एक बच्चा है, ठंड लग रहा है बच्चा, ठंड लग रहा है. क्या करूँ बोलो, इन लोगों के लिए मैं बहुत तकलीफ में होती हूँ. और बारिश देखो, बाप रे बाप रे बाप रे बाप. बैठ बैठ के सो रहा है, इसको देखो. तो वहाँ पे उसका खाना रखा हुआ है, जाके खाता है और सो जाता है. देखो अब उसको देखो, अब प्यार मिला. देखो देखो, नहीं दुकान के अंदर नहीं, सिट सिट. प्यारा बच्चा है, प्यारा बच्चा है. मेरा सारा बच्चा ऐसे ही फोटोहोलिक नहीं है, मतलब वीडियो करूँ तो मुंह घुमा लेता है. भाभी भी ऐसे ही, ये भी ऐसे ही है. देन बहुत टाइम बाद आज हमें पराठा और आलूदम का ऑर्डर मिला, तो इसको प्रिपेयर करने में मैं लग गई. मिष्टू का यहाँ पे कोई काम नहीं था, क्योंकि पराठा मुझे बनाना था, आलूदम का काम हम लोगों ने पहले ही करके रखा था, क्योंकि आलूदम
चिकन कड़ी, ये जो कॉमन डिश है जो हमारा ऑर्डर आता है, तड़का हम इंस्टेंट बना लेते हैं, उसको हम लोग भिगो के रखते हैं सुबह उठ के ही। तो ये यहाँ पे हमने हमारा जो डिलीवरी था वो पैक करके रख दिया था अच्छे से, और डिलीवरी बॉय का वेट कर रहे थे। तो अभी 5 बज रहे हैं शाम के, और मैं पी रही हूँ चाय, क्योंकि बाहर का वेदर बहुत ही अजीब सा हो रखा है, बारिश पूरे दिन हुई है और ठंड भी है। तो बस इसलिए मैं शॉप में बैठी हूँ। मिस्ट्री सो रही है, उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई है तो टैबलेट खा के वो सो रही है, अभी उठेगी थोड़ी देर में। और आज जो है जोमेटो पे हमारा रेस्टोरेंट थोड़ा ऑफलाइन दिखा रहा है, बिकॉज डिलीवरी पार्टनर अवेलेबल नहीं है, इसलिए जोमेटो उसको ऑफलाइन दिखा रहे, बारिश हो रही है इस वजह से। तो बस ऐसे ही आज का दिन जा रहा है, बोरिंग सा। बट ठंड का वेदर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस, बहुत ही ज़्यादा लेजीनेस लगता है, बट काम तो करना ही है। तो इसीलिए मैं अभी शॉप पे बैठी हूँ, फ़ोन यूज़ कर रही थी। तो मिष्टू आती है, देन आप लोग को दिखाती हूँ। आज सोचा है कि आलू का पराठा बनाएंगे। हमारे जो किचन है, हमारा जो क्लाउड किचन है जोमेटो पे, उसमें आलू का पराठा मैंने ऐड किया है रिसेंटली। और इवनिंग में मिशू ने बोला कि उसको आलू का पराठा खाना है, तो मैं 2 दिन पहले उसको बना के खिलाई थी। ठंड में स्पेशली आलू का पराठा, गोभी का पराठा बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो आज इवनिंग में मैं आलू का पराठा बनाऊँगी। तो चलो मिष्टू आती है, देन मिलते हैं और बातें करते हैं। यहाँ पे आलू बॉईल करने के लिए बैठा रही हूँ आलू पराठा के लिए। अभी बज रहे हैं रात के 9:20 और मिष्टू का तबीयत ख़राब है, मैंने आपको बोला ही था, उसके गले में थोड़ा दर्द है, ठंड लग गई है उसको। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे मैगी बनाया है, क्योंकि गले का दर्द जब होता है तब गर्म गर्म चीज़ें अच्छी लगती है, तो मैंने बोला मैगी बनाते हैं। और भाभी यहाँ पे ऐसे करके देख रही है कि मुझे छोड़ के तुम लोग खा रहे हो, छी छी छी, भगवान तुमको कभी माफ़ नहीं करेगा। लेकिन उसको नहीं दे सकते ना, क्या करें, एक 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 देंगे, रुको नहीं दो बाबू मत दो इसको, रुको मैं ये देखना कैसे खाएगा, डोंट टच, ये मेरा चाइनीज कुत्ता। तो लव यू, थैंक यू, लव यू। ठंड में मतलब मेरे को चाहिए कि मेरे को, मैं मतलब कंबल में ऐसे बैठी रहो और मेरे को ऐसे खाना देते रहो। वो सब लड़कियों का ही शौक होता है। सब नहीं नहीं कोई कोई काम करता है, मेरे को ठंड में बिल्कुल अच्छे, कब ये ठंड जाएगा, हे भगवान ठंड। और मेरे सर पे लग गई, हाँ सर पे, इधर पे थोड़ा गरम तेल छीट के पूरा फेस पे आया, तो अच्छा हुआ आइस पे नहीं गया, आइस के एकदम नीचे यहाँ पे लगा है, नेक पे, यहाँ पे, हाथ पे पूरा गरम तेल, बट बहुत ज़्यादा नहीं लगा, चलो अच्छा है, अच्छे कर्म का फल है मेरा। तो चलो गाइस, बाबा ठीक है ठीक है ठीक है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था, होप आप लोग को अच्छा लगा हो, छोटा हो बड़ा हो, जब भी हो टाइम निकाल के ब्लॉग किया। आप लोग कमेंट कर रहे थे ब्लॉग का वेट कर रहे हैं, ब्लॉग का वेट कर रहे हैं, तो इसलिए ब्लॉग बनाया। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना, आप कमेंट हम लोग पढ़ते हैं, रिप्लाई दे या ना दे, आपका सारे कमेंट हम पढ़ते हैं। ये खाने में लगी हुई है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड लव यू ऑल।